तीन दशक से राजस्थान में कोई सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। क्या इस बार ऐसा मुमकिन होगा? हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, टोंक से उम्मीदवार और विधायक सचिन पायलट जी यहाँ पर मौजूद हैं। हवा महल के सामने हम खड़े हैं, लेकिन क्या ये जो आप दम भर रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, वो हवा हवाई है? मैं दम नहीं भर रहा हूँ और ना मैं अतिशोक्ति कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है, जो कैंपेन हुआ है, जो लोगों का फीडबैक है, वर्कर्स में जो जोश है, उसके आधार पर हमारी पार्टी सरकार का काम और जो दूसरा ऑप्शन है बीजेपी का, उसमें जो लोग 10 साल की सरकार, केंद्र की सरकार देख चुके हैं और भाजपा जो राजस्थान में है, उनका कैंपेन उठ नहीं पा रहा है। तो ये सारी बातें देखकर पब्लिक का मन बन चुका है कि ये परंपरा को तोड़ना है और ये 5-5 साल का जो हमने बना रखा है इतिहास, इसको बदलकर एक बार दोबारा कांग्रेस को वोट डालनी है। तो क्या आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कमाल का काम किया है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वापसी करेंगे? थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए जो स्कीम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो हमने 18 में वादा किया था, वो मैनिफेस्टो पूरा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कर्नाटक में, हिमाचल में जो सरकार ने बनाई है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो लोगों का विश्वास है। भाजपा का जो वादे करने की आदत है, वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में और किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो सब हो नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ रहा है। लेकिन अब एक बार आते हैं कि क्या क्या वादे हो रहे हैं। उन वादों के ही खिलाफ आप निकले थे सड़कों पर, उस पर मैं बाद में आऊंगी। देखिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत जी। अब वो कह रहे हैं कि 10,000 हम गृह लक्ष्मी स्कीम में हेड ऑफ फैमिली औरत को देंगे। वो कह रहे हैं हम फ्री कंप्यूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या लागू हो चुका है? लेकिन उसको हम जारी रखेंगे, जिसमें बीजेपी हो सकता है उसको बदले। लेकिन ये आपको लगता है कि ये रेवड़ियां हैं, क्योंकि ये जो वादे हैं वो पूरी तरह से कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं। पैसा है इतना राजस्थान के पास? देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जब हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन दें, वो रेवड़ी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के गरीब परिवार की महिलाओं को, वृद्ध बुजुर्गों को छात्रवृत्ति दें, बच्चों को, वो रेवड़ी है। और अगर सरकार का जो पैसा है, वो किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो जनता का पैसा है। उस जनता के पैसे को बजाय इसके कि हम चंद उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के बैंक के लोन माफ करें, वो पैसा गरीब के जेब में जाए, महिलाओं के हाथ में आए, बच्चों को ट्यूशन मिले, वो बेहतर है। तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या है पता पड़ जाता है, आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, आपके कमिटमेंट्स क्या है। और मुझे लगता है कि हमारा जो वित्तीय संचालन है, जो मॉनेटरी फिस्कल प्लानिंग है, बजटिंग है, वो बहुत बेहतर है और बड़ी जिम्मेदार हमारी पार्टी है। हम जो कर सकते हैं वही कह रहे हैं। सचिन जी, 2013 कितने विधायक थे? 21 कांग्रेस के? 200 में से। हाँ, और आप 200 में से, और आप उस वक्त अध्यक्ष थे। आपने 18 तक काम किया, सेंचुरी मारी आपकी पार्टी ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए, फिर आपने मई के महीने, अभी से 6 महीने पहले, जन संघर्ष यात्रा की कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर गहलोत साहब सॉफ्ट और इजी जा रहे हैं, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, पेपर लीक पर कुछ नहीं किया। क्या बदल गया 6 महीने में? देखिए, जो मैंने इश्यूज उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे, हमने कुछ कमिटमेंट्स किए थे और मुझे लगा कि उस पर हम लोग अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे तो दोबारा चुनाव में जाएंगे, जनता पूछेगी हमसे कि आपने क्या किया। तो जैसे पेपर लीक आपने जिक्र किया, पेपर लीक अगर होता है, और मैं समझता हूँ देश में किसी को अधिकार नहीं है बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। अगर कहीं पेपर लीक हुआ है किसी प्रदेश में, चाहे यहाँ पर भी हुआ है, कोई पकड़ा जाए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो पार्टी लीडरशिप ने सरकार को निर्देशित किया और एक नया कानून हमने बनाया है, न्यू लॉ हमने बनाया है, उसमें पेपर लीक से संबंधित कोई व्यक्ति होगा अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी जो सजा का दायरा है उसको बढ़ा के हमने उम्र कैद का कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये पहले स्टेट जहाँ पे हुआ है। तो एक्शन सरकार ने लिया, पार्टी के कहने पर लिया, उसका फायदा किसको हुआ? हम सबको हुआ। तो अगर हम करप्शन को, पेपर लीक को, नौजवानों को, मुद्दों को उठाते हैं तो पब्लिक में एक विश्वसनीयता पैदा होती है कि हम लोग अपनी पार्टी के अंदर काम करवाने की क्षमता रखते हैं। आप और गहलोत जी, ऐसा लगता है कि नदी के दो किनारे हैं, उन किनारों को मिलाने के लिए पूरी गांधी फैमिली अपनी ताकत झोंक देती है और गहलोत साहब को जादूगर कहा जाता है, वो तो जादू कुछ ना कुछ चला ही देते हैं। सोचिए, अध्यक्ष पद तक उन्होंने ठुकरा दिया, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, कहते हैं ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। तो वाकई जो फोटो ऑप हो रहा है वो सिर्फ फोटो ऑप है, या आप लोगों ने जैसे कहते हैं यू हैव बेरिड द हैचेट, मतलब क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है, किनारे कैसे मिलेंगे? कभी भी किसी से अगर असहमति अगर किसी की होती है तो व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, मेरी तो नहीं है। और अगर इशू को लेके, गवर्नेंस को लेके, संगठन को लेके कुछ पॉइंट्स हैं, प्लेटफॉर्म पे हमने रखा और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल गांधी जी ने बात को सुना और हम सब लोगों को, हम जब दिल्ली में थे 6-8 महीने पहले, तो मुझे भी कहा, आप जानते हैं पिछले साल भी ये घटनाक्रम हुआ था राजस्थान में, जब हमारे एमएलए की मीटिंग ही नहीं हो पाई थी एक तरह से, और उस पर अनुशासन कार्रवाई भी पार्टी ने करी थी। फिर मुझे कहा कि भाई ये सब निकल गया है, ये इसको माफ करके भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और आपने जो बोला मूव ऑन, हाँ मूव ऑन, बिकॉज मूव ऑन थोड़ी होता है पॉलिटिक्स में। देखिए ऐसा है, आज देश किस कोने पर खड़ा है, आज 10 साल की भाजपा की सरकार है, हिंदुस्तान में एक बेहतर विकल्प की तलाश लोग कर रहे हैं। वो विकल्प नेशनली कांग्रेस पार्टी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग कब होगी? जब हम स्टेट्स के चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव कब जीतेंगे? जब मिलकर काम करेंगे। तो रिक्वायरमेंट है सब लोगों की। और मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई हम इश्यूज लेकर उठे थे, पार्टी ने सरकार के माध्यम से कुछ काम कराए। मान लीजिए काल्पनिक तौर पर सरकार बन गई। काल्पनिक क्यों, हम तो कह रहे बन रही है। आप यही कहिएगा, लेकिन मान लेते हैं 3 दिसंबर आ गया, हाँ। फिर आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि उनको तो कुर्सी छोड़ती नहीं है। ऐसा गहलोत साहब, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा होगा, जो मैं समझता हूँ कि एक पद है मुख्यमंत्री का, वो पद हमको किस लिए चाहिए? पार्टी के लिए चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो कमिटमेंट है उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें डिलीवरी करनी है, जनसेवा करनी है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के थोड़ा ना पद चाहिए होता है। पद चाहिए कि हम कलम से, शाही से लोगों की मदद कर सकें। इस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा जो उन्होंने कहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आपने मुझसे पूछा, 2018 में हम चुनाव जीते, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहेंगे वही होगा, किसको क्या काम देना, क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये परंपरा, ट्रेडिशन हमारी पार्टी में आज का नहीं, दशकों का है, हर राज्य में है, ऐसा नहीं राजस्थान में है, हर स्टेट में। पहले बहुमत आएगा, आंकड़ा हम पार करेंगे, फिर विधायक बैठ के नेतृत्व पे छोड़ेंगे और वो निर्णय लेंगे किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है और ये फिर होगा। 10 जनपद तय करेगा, कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी, सब नेताओं से बात कर, विधायकों से बात कर, जो पार्टी हित में होगा, जो प्रदेश के हित में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वो तो सचिन जी आप भी जानते हैं कि वो जाकर ऐसी जादूगरी अंत में करते हैं कि ऐसा है, आप बार बार बोलती हो इस ब्रह्मांड में। सर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया क्योंकि ये कुर्सी नहीं छोड़नी थी उन्हें। ये ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जादूगर है, वो अनिल छत्री वाला। बाकी सब जो बातें बोल रहे हैं उसका कोई नहीं है। पार्टी हमारी जो निर्णय लेती है वो सब पे लागू है और सब लोग इस बात को बोल चुके हैं कि पार्टी का जो निर्णय एंड में होगा। लेकिन इसमें चर्चा अभी बेफिजूल है। अभी तो मैं जो चाहते हैं कि आप सीएम बने, उनका क्या? किसी जो 13 से आपसे आपके साथ जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। पार्टी अल्टीमेटली निर्णय जो लेती है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको मंत्री बनाना है, किसको संतरी बनाना है, किसको क्या पद देना है दिल्ली में, जयपुर में, ये निर्णय लीडरशिप करती है ना। पार्टी ने 18 में निर्णय लिया, पार्टी ने सबने एक्सेप्ट किया उसको। 23 में जो पार्टी निर्णय लेगी सब उसको एक्सेप्ट करेंगे और सब करेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इनफाइटिंग पर हमला किया है। वो कह रहे हैं कि सब एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं। आजकल सब वर्ल्ड कप की भाषा में, और कह रहे हैं कप इस बीच हम बीजेपी यहाँ पर जीत लेगी। देखिए पहली बात तो वो कह रहे हैं गहलोत साहब तो कोशिश करते हैं आपको रन आउट करने की, नहीं लेकिन बीजेपी खुद यहाँ हिट विकेट हो रही है। आप देखिए राजस्थान में उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, उनका कैंपेन उठ ही नहीं पा रहा है। बार बार सारे प्रदेश और देश भर के नेता आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो नेता है उनकी ना तो कैंपेन में दम आ रहा है, ना लोगों में ट्रैक्शन है। इतना कंफ्यूजन और आपस में खिंचाव है, वो सब जगजाहिर है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इसलिए मुझे ये ऐसा एहसास होता है कि आप 4.5 साल तो आप घर बैठे रहें और आखिरी के 2 महीने आप रथ में बैठ जाएं और कहें परिवर्तन यात्रा करेंगे, जन आक्रोश यात्रा करेंगे। उस यात्रा में ना तो जन है ना आक्रोश है, ऐसी निकल गई यात्राएं वो सारी। तो पब्लिक में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है इस कैंपेन का। लेकिन पीएम मोदी का इधर चेहरा, इधर गहलोत साहब का है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की चीफ स्ट्रैटेजी है? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। देखिए हमारी पार्टी तो एक लड़ती है एक पूरा यूनाइटेड फेस के तौर पर, ठीक है। कोई किस पद पे कब बैठा अलग बात है, लेकिन संगठन, कार्यकर्ता, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का मैनिफेस्टो, वो हमारे लिए है। बीजेपी का अंदरूनी मामला क्या है मैं नहीं जानता हूँ, किसका फेस है, कौन यहाँ क्या पद संभालेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पूरी पार्टी सब कैंपेन कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, हर नेता छोटा बड़ा, और एक कलेक्टिव एफर्ट से चुनाव जीता। कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा स्टेट है हमारा। लेकिन वसुंधरा जी को उन्होंने पीछे कर दिया है, सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया है। इससे एक जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थी 18 में, उसको उन्होंने कॉम्बैट किया। आपको लगता है बहुत सारे सांसदों को उतारा है, यही दिया सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सब इसी जयपुर आसपास से लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो जितने सांसद लड़ रहे हैं वो आधे मन से लड़ रहे हैं, किसी का मन थोड़ी ना था। वहाँ उनका अनाउंस कर दिया जाके लड़िएगा। यार बीजेपी का जो इंटरनल मैकेनिज्म मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ उनका काम करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ थोड़ा संवाद होता है, चर्चा होती है, निर्णय के लिए सबसे कंसल्टेशन किया जाता है, उसके बाद हम लोग अपना डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार का आज माहौल है वो पब्लिक भी देख रही है ना, पब्लिक भी देख रही है कि किस पार्टी में किस प्रकार का कैंपेन हो रहा है, किस नेता को कहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है और क्या प्रोजेक्शन है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर। 5 साल का आपका रोड मैप क्या है, आपका 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन क्या है। आप खाद, बीज, बिजली, रोजगार, नौकरी, निवेश, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर जो चर्चा करें ना, इस पे कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्लानिंग है, बहुत बेहतर परसेप्शन है जनता की। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करें, 2021 राजस्थान रेप केसेस में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। क्या ये बड़ा इशू नहीं है? दिव्या मदेरना आपकी विधायक बोलती हैं तो उन पर हमलावर हो जाते हैं कांग्रेस के ही विधायक। किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है या जुल्म होता है एक भी नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ देश में कहीं पर भी, लेकिन जहाँ पर भी होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में FIRs और आंकड़े पड़े, हमने कंपलसरी करा है FIR। तो अगर आप रजिस्टर कराएंगे थाने में तो रिपोर्ट होगा। आप केस रजिस्टर ना करें, केसों को दबा दें आंकड़े अच्छे करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। सरकार का असेसमेंट होता है कि अगर कहीं इंसिडेंट होता है तो कितनी जल्दी, कितना प्रभावी तरीके से मुलजिमों को पकड़ के सजा दिलाई गई है, वो शासन का, प्रशासन का, पुलिस का काम होता है। उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं है। बाकी आंकड़े तो आप यूपी के देखिए, मध्य प्रदेश के देखिए, सामाजिक जो इश्यूज हैं उसमें तो हम सबको मिलकर काम करना है। लेकिन महिला उत्पीड़न हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें हम लोगों को अगेन मैं समझता हूँ 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। गहलोत साहब को और सेंसिटिव होना चाहिए। वो कहते हैं 50% केसेस फर्जी होते हैं। आपके शांति धारीवाल साहब कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। देखिए, जो स्टेटमेंट धारीवाल जी ने दिया, मैं उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। ऐसा उनको शायद नहीं बोलना चाहिए था, वो भी सदन के अंदर। हाँ। मुझे लगता है कि वो खुद भी इस बारे में रिग्रेट कर चुके हैं। महादेव ऐप हो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वैभव गहलोत के रिजॉर्ट के मामले में जांच हो। आप लोग कहते हैं कि एजेंसी जो है वो गठबंधन में है सरकार के साथ। मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ एविडेंस है। हाँ। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो जाए उसके 10 दिन पहले आप लोगों के घर छापे डाल के, नोटिस भेज के, रेड डाल के उनको भयभीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। अभी तक कहीं किसी एजेंसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। एक्शन ईडी करती है, जवाब बीजेपी देती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। पब्लिक देख रही है। 95% सारे केसेस जो ईडी के हुए हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुए हैं। ये तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से गलत है जो हो रहा है। वसुंधरा राजे, अभी भी आपको लगता है एक बड़ी ताकत है, एक राजनीतिक फोर्स है और बीजेपी ने उनको साइडलाइन करके ठीक नहीं किया? देखिए, फोर्स कौन कितना है ये तो पता पड़ता है कि पब्लिक में क्या है, और पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है तभी नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश की, लेकिन अब उनका क्या रोल है या क्या रोल रहेगा ये कहना मेरे लिए संभव नहीं। हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। एजेंडा चलेगा डेवलपमेंट का, नौजवान का, किसान का, प्रगति का, विकास का। ये एजेंडा होता है और यही होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को क्या आप नकारते हैं सचिन जी? सभी की सभी लोकसभा सीट राजस्थान की, जबकि आप विधानसभा में 18 में जीते और 19 में सारी लोकसभा सीटें उधर चली जाए, क्या ये मोदी की लोकप्रियता नहीं बताता है? भाई, मैं किसी की लोकप्रियता को कम या ज्यादा आंकने वाला कौन हूँ? पब्लिक डिसाइड करेगी सब कुछ, लेकिन एक आइडियोलॉजी है। एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मुझे अपना काम करना है। आप भी जानती हैं 19 में जब चुनाव हुआ था तो एक विशेष परिस्थिति देश में पैदा हुई थी। उस समय अलग माहौल बन गया था। कौन सी? आप जानती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम उस टाइम एक आतंकवादी हमला हुआ, फिर एक्शन हुआ, और उस टाइम एक अलग भावना देश में थी। उस वक्त जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को यहाँ पहले सरकार बना के देख रखा है। हमने 163 विधायक थे वंदना जी बीजेपी के, 200 में से 163, और हम 21 पे थे। तो हम लोग, वही बीजेपी थी, वही नेता थे, वही हम लोग थे। जनता ने हमको वोट दिया ना, हम सरकार बनाए हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि यहाँ दोबारा हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और यहाँ सरकार बनाने के बिल्कुल मुझे लगता है, मैं आश्वस्त हूँ। बाकी स्टेट्स में जीतेंगे, यहाँ पर भी जीतेंगे। मैं अगले सीएम से बात कर रही हूँ ना अभी। तो आप किससे बात कर रही हैं? एक व्यक्ति से बात कर रही हैं जो अपनी पूरी मेहनत से इस काम में लगा हुआ है। लेकिन किसको क्या पद पोस्ट मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में लगा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तब पता पड़ेगा किसको क्या